try quiz on lawrack.com opportunity like never before first prize of 1 lakh rupees हम कर रहे हैं आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट के एम सी क्यूज एग्जाम है तैयारी करनी है इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं क्वेश्चन 61 पर कोर्ट की बात हो रही है जो आर्बिट्रेशन का कोर्ट होता है उसके पास इंटरमेजर्स की जो जुरिस्टिक्शन है उसकी और चार ऑप्शन क्या है either before arbitration proceedings or after making of the arbitral award second option hai before the arbitral award is enforced teesri option hai can exercise suo moto chauthi option kehta hai a or b dono aur iska right answer hai d matlab मतलब a or b dono arbitral courts jo hai आर्बिटल प्रोसीडिंग से पहले भी इंटरमेजर्स ले सकता है award देने के बाद भी कर सकता है और ध्यान देने वाली बात है बिफोर द आर्बिटल अवार्ड इज एनफोर्स एक होता है आर्बिटल अवार्ड दे दिया गया है लेकिन उसको एनफोर्स नहीं किया गया है आई होप यू गॉट द पॉइंट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू केस ऑफ थ्री आर्बिट्रेटर्स द थर्ड आर्बिट्रेटर शेल एक्ट एज अगर तीन आर्बिट्रेटर्स होंगे जो थर्ड वाला होगा उसका क्या रोल होगा ऑप्शन है अंपायर प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर सोल आर्बिट्रेटर या नोटा नोटा मतलब नन ऑफ द अबव और इसका राइट right आंसर है प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर यस जो थर्ड आर्बिट्रेटर है उसका रोल होगा प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर का नेक्स्ट एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट स्पेसिफाइंग इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स के नॉट बी अ सोल ग्राउंड टू रेंडर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इन वैलिड यह किस केस में कहा गया था दिस वॉज लेड डाउन इन फोर ऑप्शन है ग्रेट कॉर्पोरेशन ऑफ उडीसा लिमिटेड वर्सेज इंडियन चार्ज क्रोम ए आई आर या फिर के के मोदी वर्सेज के एन मोदी नाइनटीन या एमएमटीसी लिमिटेड वर्सेज स्टरलाइट इंडस्ट्रीज और फोर्थ ऑप्शन है संद्रम फाइनेंस लिमिटेड 1999 में और इसका राइट आंसर है एमएमटीसी लिमिटेड वर्सेज स्टरलाइट इंडस्ट्रीज नाइनटीन अगर स्टरलाइट इंडस्ट्रीज भी याद कर लोगे ना तो भी आप राइट आंसर दे सकते हो क्वेश्चन 64 द प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर इज अपॉइंटेड बाय सवाल यह है कि प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर को कौन अपॉइंट करता है चार ऑप्शन क्या है पार्टी टू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट सेकेंड है द अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स बाय ईच पार्टी थर्ड ऑप्शन है द कोर्ट फोर्थ ऑप्शन है ए बी सी तीनों में से कोई भी और इसका राइट right आंसर है बी द अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर बाय ईच पार्टी मतलब दोनों पार्टियों द्वारा जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया गया है वह चुनते हैं एक प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर क्वेश्चन सिक्सटी फाइव द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स कैन बी मेड चार ऑप्शन है बाय द पार्टीज बाय डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बाय आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन लास्ट क्या रहे है ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है या सी भी हो सकता है और इसका राइट right आंसर है डी यस बिल्कुल करेक्ट जो आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट है या आर्बिट्रेटर मतलब एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट को पार्टीज द्वारा भी किया जा सकता है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी द्वारा भी किया जा सकता है और आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन भी खुद भी अपॉइंट कर सकता है आर्बिट्रेटर को क्वेश्चन 66 द पार्टीज टू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शेल अपॉइंट आर्बिट्रेटर विद इन प्रश्न ये है कि जो पार्टीज हैं जिन्होंने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किया हुआ है कि अगर डिस्प्यूट होगा तो हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो वो आर्बिट्रेटर को कितने दिनों में अपॉइंट करते हैं थर्टी डेज सिक्सटी डेज फोर्टी डेज या नाइन्टी डेज और इसका राइट right आंसर है ए थर्टी डेज ऑब्वियसली डिस्प्यूट हो गया है तो कितना इंतजार करोगे थर्टी डेज बहुत होते हैं क्वेश्चन सिक्सटी सेवन च इज द इनकरेट स्टेटमेंट द हाईकोर्ट बिफोर अपॉइंटिंग एन आर्बिट्रेटर शेल हैव डू रिगार्ड टू प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है कि जब हाईकोर्ट आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेगा तो वो क्या दिखेगा ऑप्शन है क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड ऑफ द आर्बिट्रेटर बाय द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज सेकेंड है नेशनैलिटी ऑफ द आर्बिट्रेटर थर्ड ऑप्शन है

क्वेश्चन 68. अंडर सेक्शन 10 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1966, द पार्टीज़ आर फ्री टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स प्रोवाइडेड दैट सच नंबर शुड नॉट एक्सीड इसकी ऑप्शंस क्या हैं? शुड नॉट एक्सीड थ्री नॉट एक्सीड फाइव नॉट एक्सीड सेवन और इट इज नॉट एन इवन नंबर और इसका राइट आंसर है ज नॉट एन ईवन नंबर मतलब जो मर्जी नंबर हो लेकिन वो इवन नंबर ना हो जैसे दो चार छ गए क्वेश्चन सिक्सटी नाइन देखिए बोर मत होना थोड़ा कंसंट्रेट करो भाई अगर ये नहीं पढ़ोगे तो कंपटीशन में कैसे खड़ोगे एनी वे वेर द पार्टीज फेल टू प्रोवाइड फॉर एन ऑड नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल शेल कंसिस्ट ऑफ प्रश्न ये है जब पार्टीज जो हैं वो ऑड नंबर आर्बिट्रेटर्स को प्रोवाइड नहीं कर सकती है मतलब जैसे तीन पांच सात तो ऐसी स्थिति में आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की संख्या क्या हो सकती है इसका राइट आंसर है एक सोल आर्बिट्रेटर ऑब्वियसली अब आप कहोगे कि भैया तीन और पांच भी तो ऑड नंबर होते हैं लेकिन प्रश्न को ध्यान से देखो उसमें लिखा है कि पार्टी अगर फेल हो जाती है मतलब वह ऑड नंबर की संख्या नहीं जुटा पाती है भाई नहीं जुटा पाती है मतलब तीन भी नहीं हो रहे हैं तो ऑब्वियसली सोल आर्बिट्रेटर हुआ गॉरेट ओके क्वेश्चन सेवेंटी अंडर सेक्शन इलेवन आर्बिट्रेशन एक्ट के अ पर्सन फॉर बीइंग एन आर्बिट्रेटर मतलब आर्बिट्रेटर होने के लिए चार ऑप्शंस हैं कि क्या होना जरूरी है पहला मस्ट बी एन इंडियन नेशनल दूसरा मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन तीसरा ऑप्शन है मे बी अ पर्सन ऑफ एनी नेशनैलिटी किसी भी देश का हो फोर्थ ऑप्शन है मे बी अ पर्सन ऑफ एनी नेशनैलिटी एक्सेप्ट एन एलियन एनिमी किसी भी देश का हो लेकिन दुश्मन देश का ना हो और इसका राइट आंसर है मे बी अ पर्सन ऑफ एनी नेशनैलिटी आर्बिट्रेटर होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर देश का हो

Two shall the third मतलब, एक party, एक अपना अपॉइंटेड अपना आर्बिट्रेटर दूसरा, दूसरा कर, कर जो है अपनी अपनी पार्टी द्वारा वो दोनों मिलकर एक थर्ड आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेगा पहला ऑप्शन तो ये हो जाता है सेकेंड है द क्लेम शेल अपॉइंट टू आर्बिट्रेटर एंड द डिस्प्यूटेंट शेल अपॉइंट वन मतलब अगर किसी का झगड़ा हो गया है तो वो दो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा लेकिन जिसके साथ डिस्प्यूट हुआ है झगड़ा हुआ है वो एक करेगा थर्ड ऑप्शन कहती है कि द द डिस्प्यूटेंट अपॉइंट अपॉइंट एंड क्लेमेंट क्लेम मतलब अब पैसा कर दिया है कि जिसके साथ डिस्प्यूट हुआ है वो दो करेगा और क्लेमेंट एक करेगा या थर्ड ऑप्शन है ऑल द थ्री टू अपॉइंट बाय द कोर्ट मतलब तीनों ही आर्बिट्रेटर कोर्ट द्वारा अपॉइंट होंगे और इसका राइट आंसर है ऑप्शन है बिल्कुल सही अगर एक पार्टी जिससे झगड़ा हुआ है वो दो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा तो ऑब्वियसली डिसीजन दोनों के हक में हो गया ना दोनों पार्टियां एक एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी और दोनों आर्बिट्रेटर जो हैं वो तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा ऑब्वियसली तभी इम्पार्शियल सिचुएशन होगी डिसीजन आने में क्वेश्चन सेवनटी टू अंडर सेक्शन इलेवन ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सुलशन एक्ट आर्बिट्रेटर हैज टू बी अपॉइंटेड कितने टाइम पे अपॉइंट हो जाना चाहिए विद इन थर्टी डेज ऑफ द एग्रीमेंट विद इन थर्टी डेज ऑफ राइजिंग ऑफ द डिस्प्यूट थोड़ा ध्यान लगाना ऑप्शन के ऊपर विद इन थर्टी डेज ऑफ फेलियर टू रिजोल्व द डिस्प्यूट ऑफ दर ओन विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द रिसेप्ट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर फ्रॉम द अदर पार्टी भाई आर्बिट्रेटर एग्रीमेंट हो गया तो तीस दिन में आप कैसे अपॉइंट करोगे पहला ऑप्शन तो चला गया विद इन थर्टी डेज ऑफ राइजिंग ऑफ द डिस्प्यूट ऑप्शन डाउटफुल होता है ठीक है डिस्प्यूट हो गया है आप डिस्प्यूट होने के तीस दिन के अंदर अंदर आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर लोगे नेक्स्ट ऑप्शन है विदिन थर्टी डेज ऑफ फेलियर टू रिजोल्व द डिस्प्यूट ऑफ द ओन मतलब तीस दिन तक हम समझौता नहीं कर पा रहे हैं

अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेना चाहिए क्वेश्चन 73 इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सोल और आर्बिट्रेटर इन एन इंटरनेशनल कमर्शियल कैन बी आर्बिट्रेटर अब यहां पे एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने की बात हो रही है जब इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन हो सोल और थर्ड मतलब आप समझ गए होंगे कि या तो एक ही अपॉइंट करना है या हमने ऑड नंबर वाला थर्ड करना है चार ऑप्शन क्या है क्लेमेंट मे बी अपॉइंटेड एज आर्बिट्रेटर मतलब उस व्यक्ति को बनाया जा सकता है, जो के की नेशनैलिटी का हो मतलब अगर क्लेमेंट इंडियन है तो वो इंडियन होना चाहिए अगर क्लेमेंट बांग्लादेशी है तो बांग्लादेशी पर्सन होना चाहिए जिसको आर्बिट्रेटर बना सकते हैं सेकंड ऑप्शन है इज द नेशनैलिटी ऑफ द डिस्प्यूटेंट मे बी अपॉइंटेड एज एन आर्बिट्रेटर ये वाइस वर्सा है फर्स्ट का क्लेमेंट नहीं डिस्प्यूटेंट का आर्बिट्रेटर होना चाहिए जिस देश का वो है थर्ड ऑप्शन है हु इज ऑफ एनी नेशनैलिटी इज रिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी ऑफ द पार्टीज मे बी अपॉइंटेड एज एन आर्बिट्रेटर अरे भाई किसी भी देश का हो उसको आर्बिट्रेटर बना सकते हैं फोर्थ ऑप्शन कहती है हु इज ऑफ नेशनैलिटी अदर देन द नेशनैलिटी ऑफ द पार्टीज मे बी अपॉइंटेड एज एन आर्बिट्रेटर मतलब जिस देश के वह पार्टीज हैं उस देश को छोड़ के किसी और का भी होना चाहिए और इसका राइट आंसर है D, the last one, who is of a nationality other than nationality of the parties, may be appointed as an arbitrator. ये ऑप्शन क्यों है क्योंकि ध्यान से समझें। हमने सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है मतलब वो एक ही है जो डिसीजन लेगा इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में मतलब अगर इंडिया का डिस्प्यूट फ्रांस के साथ हुआ है फॉर एग्जांपल ले लेते हैं तो इंडिया का आर्बिट्रेटर हो या फ्रांस का आर्बिट्रेटर हो तो जहां का भी वो आर्बिट्रेटर होगा डेफिनेटली उसका माइंड उसका बैलेंस अपनी कंट्री के लिए टिल्ट होगा और थर्ड आर्बिट्रेटर का मतलब ये होता है कि अगेन वो न्यूट्रल कंट्री का होना चाहिए एक आर्बिट्रेटर इंडिया ने अपना चुन लिया है और एक फ्रांस ने अपना चुन लिया है से फॉर एग्जाम्पल तो थर्ड आर्बिट्रेटर किसी और कंट्री का होना चाहिए दिस इज द राइट आंसर क्वेश्चन सेवेंटी फोर ए पार्टी वाह क्या क्वेश्चन है ऑप्शन पढ़ लेते हैं तभी तो पता लगेगा कि पार्टी क्या है ए कैनोट चैलेंज एन आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम उसी ने खुद ही अपॉइंट किए हैं वह खुद ही चैलेंज नहीं कर सकता है क्या ये ऑप्शन सही है नेक्स्ट मे चैलेंज एन आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम फॉर रीजन ऑफ विच ही बिकम्स अवेयर आफ्टर द अपॉइंटमेंट हैज बीन मेड वह अपने ही द्वारा चुने गए आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर सकता है सेकेंड ऑप्शन है मे चैलेंज एन आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम फॉर रीजन नोन टू हिम बिफोर द अपॉइंटमेंट इज मेड अपने ही द्वारा चुने गए आर्बिट्रेटर को वह चैलेंज कर सकता है हटा सकता है कहले लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट से पहले ये थर्ड ऑप्शन कह रही है फोर्थ ऑप्शन क्या है मे चैलेंज एन आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम इन रिस्पेक्टिव ऑफ द रीजन बीइंग नोन टू हिम बिफोर द अपॉइंटमेंट और बिकमिंग अवेयर ऑफ द रीजन आफ्टर द अपॉइंटमेंट हैज बीन मेड मतलब अपने ही द्वारा चुने गए आर्बिट्रेटर को वह चैलेंज कर सकता है हटा सकता है इर रिस्पेक्टिव ऑफ द रीजन जो मर्जी कारण हो चाहे वो अपॉइंटमेंट के पहले का हो बाद में का हो या उसको कारण पता लग गया हो अपॉइंटमेंट के बाद भी और इसका राइट right आंसर है मे चैलेंज एन आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड बाई हिम फॉर रीजन ऑफ विच ही बिकम्स अवेयर आफ्टर द अपॉइंटमेंट हैज बीन मेड ऑब्वियसली ए पार्टी जब एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर लेती है तो कुछ कारण उसको उसकी अपॉइंटमेंट के बाद पता चले होंगे तभी वह उसको चैलेंज करेगा सो दिस इज राइट आंसर क्वेश्चन सेवेंटी द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर सेक्शन इलेवन कि आर्बिट्रेशन एक्ट है बाय द चीफ जस्टिस और हिज ए डेजिग्नेट इज अ ज्युडिशियल ऑर्डर राइट आंसर right है एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर एग्जैक्टली सी कुछ क्वेश्चन आंसर ऐसे ईजी होते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन करना ठीक नहीं समझता हूं क्योंकि दैट इज गॉन ऑफ बी अ वेस्ट ऑफ टाइम यहां पर पूछा गया था कि अगर चीफ जस्टिस अपनी पावर को यूज करता है आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के लिए तो वो क्या होता है वो जुडिशियल इंटरम ऑर्डर होता है तो भाई वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता है okay. 76. 12 1996 12 किस से डील करता है आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर ऑफ आर्बिट्रेशन ग्राउंड्स फॉर चैलेंज टू आर्बिट्रेटर फाइनलिटी ऑफ अवार्ड नोटा मतलब नन ऑफ द अब किसी से भी डील नहीं करता है और इसका राइट right आंसर है ग्राउंड फॉर चैलेंज टू आर्बिट्रेटर सेक्शन ट्वेल्व आर्बिट्रेशन का जो है वो डील करता है विद द ग्राउंड फॉर चैलेंज टू आर्बिट्रेटर क्वेश्चन सेवेंटी सेवन सेक्शन ट्वेल्व सब सेक्शन थ्री प्रोवाइड द ग्राउंड फॉर चैलेंजिंग टू द आर्बिट्रेटर अभी हमने इतना तो समझ लिया कि सेक्शन ट्वेल्व जो है वो चैलेंज से डील करता है आर्बिट्रेशन की अपॉइंटमेंट पर और सब सेक्शन थ्री किससे डील करता है ये चेक कर लेती हैं चार ऑप्शंस हैं ही इज नॉट एन इंडिपेंडेंट और इम्पार्शल बी ही इज अ फॉर नेशनल सी ही इज नॉट क्वालिफाइड एज पर एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज डी कहता है ए और सी मतलब या वो फॉरनर नेशनल है या वो क्वालिफाइड नहीं है जो एग्रीमेंट में हमने किया था कि कैसा होना चाहिए तो इनमें से कौन सा ग्राउंड होता है आर्बिट्रेटर को चैलेंज करने के लिए और इसका राइट right आंसर है बोथ ए सी क्वेश्चन 78 एट अंडर सेक्शन इलेवन ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 एन एंड आर्बिट्रेटर कैन बी अब सेक्शन 11 जो है वो किससे डील करता है कि एक आर्बिट्रेटर है ही कैन बी ऑप्शंस है ही कैन बी अ पर्सन और आर्बिट्रेटर ऑफ एनी प्रीवियस डिस्प्यूट्स मतलब वह किसी और डिस्प्यूट uh, में भी आर्बिट्रेटर बन चुका है अ पर्सन ऑफ कंसर्न स्टेट मतलब वो किसी स्टेट का है सी ऑप्शन कहती है कि अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ओनली मतलब वो सिर्फ हिंदुस्तानी होना चाहिए और डी ऑप्शन कहती है कि अ पर्सन ऑफ एनी नेशनैलिटी किसी भी देश का होगा चलेगा आर्बिट्रेटर बन सकता है और इसका राइट right आंसर है डी अ पर्सन ऑफ एनी नेशनैलिटी किसी भी देश का इंसान आर्बिट्रेटर बन सकता है क्वेश्चन सेवेंटी नाइन यह सेक्शन 13 आर्बिट्रेशन एक्ट की बात करता है कि इट लेस डाउन चार ऑप्शन है द टर्मिनेशन ऑफ मैंडेट ऑफ आर्बिट्रेटर द प्रोसीजर फॉर चैलेंजिंग ऑन आर्बिट्रेशन पावर्स ऑफ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल नोटा इनमें से किसी भी बारे में बात नहीं करता है और इसका राइट right आंसर है प्रोसीजर फॉर चैलेंजिंग एंड आर्बिट्रेशन सो सेक्शन तेरह किस बारे में बात करता है यह आपका कवर हो गया इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटी वे देर इज अ चैलेंज टू आर्बिट्रेटर अंडर एनी प्रोसीजर एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज द ट्राइब्यूनल शेल प्रश्न ये है कि अगर पार्टीज ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में किसी प्रोसीजर को मेंशन कर दिया है कि आर्बिट्रेटर को कैसे चैलेंज किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल है वो क्या करेगा और चार ऑप्शंस हैं। सेंड द मैटर टू द कोर्ट अपॉइंट एनी अदर आर्बिट्रेटर एट इट्स ओन डिस्क्रिशन अपनी मर्जी से आर्बिट्रेटर को चुन लेगा थर्ड ऑप्शन कहती है नॉट कंटिन्यू द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग प्रोसीडिंग्स को आगे नहीं बढ़ाएगा फोर्थ ऑप्शन कहती है कंटिन्यू द दर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स एंड शेल डिसाइड ऑन द चैलेंज। चैलेंजिटर प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी। फैसला तब लिया जाएगा जब चैलेंज किया जाएगा और इसका राइट right आंसर है कंटिन्यू द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स एंड शेल डिसाइड ऑन द चैलेंज ऑब्वियसली जब तक चैलेंज नहीं करोगे तब तक प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी दोबारा मिलते हैं तब तक के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट एल्डर्स लव किड्स मेक दिस प्लेस अ बेहर प्लेस टू लिव